हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। थंबनेल पे जो आपने आउटडोर देखा है वो वी गार्ड का आउटडोर है, और इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है कि वी गार्ड का कोई एसी आ जाए बाजार में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नए नए ब्रांड्स के एसी बाजार में आते रहते हैं। कभी रियलमी का आ गया, कभी नोकिया का आ गया, कभी कैल्विनेटर, बीपीएल, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके एसी आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके एसी आएंगे। लेकिन दोस्तों, वी गार्ड ने फिलहाल कोई एसी लॉन्च नहीं किया है। ये जो थंबनेल के ऊपर आपने आउटडोर देखा है वी गार्ड का, ये आउटडोर एक हीट पंप का आउटडोर है, और इस आउटडोर की मदद से कमरे को ठंडा या गर्म नहीं किया जाता बल्कि पानी को गर्म किया जाता है। जी हाँ, ये एक वाटर हीटर हीट पंप का आउटडोर है जो कि पानी गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, वी गार्ड का जो ये हीटर है, ये अकेला ही ऐसा वाटर हीटर हीट पंप नहीं है, ऐसा रेकॉर्ड वाले भी बनाते हैं, हैवल्स वाले भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वीनस हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस सिस्टम को ऑफर करते हैं। फिलहाल अगर मैं इस वीडियो में वी गार्ड वाले की बात कर रहा हूँ, तो वी गार्ड का जो ये सिस्टम है, ये डोमेस्टिक टाइप का हीट पंप सिस्टम है, और इसमें आपको चार कैपेसिटी मिल जाती हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं टैंक की कैपेसिटी। एक है कि 150 लीटर वाला, 200 लीटर वाला, 300 लीटर वाला, और चौथा जो है वो 500 लीटर वाला, यानी कि 500 लीटर पानी को भी गर्म किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह के जो हीट पंप होते हैं, वाटर हीटर हीट पंप्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनको सारा दिन या पूरे घर में जहाँ भी टैप है वहाँ पर गर्म पानी की सप्लाई चाहिए है। इसको आप छत के ऊपर लगवा सकते हैं या छत के ऊपर कोई कमरा है उसके अंदर लगवा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पर यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपका कोई होटल है या आपका कोई गेस्ट रूम है, मतलब बार बार अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो फिर आप इस तरह का सिस्टम लगवा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कोई कोई लोग इसको लगवा सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सॉरी बट ये सच है कि इसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको लगवाने के लिए काफ़ी जगह भी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। कम से कम ये 1,20,000 रुपये के आसपास आएगा 150 लीटर वाला, उसके बाद फिर 1,40,000, 1,60,000, इस तरह से जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। अब मैं बताता हूँ हीट पंप जो ये है वी गार्ड का, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं। तो इसके अंदर जो टैंक है वो इनेमल कोटेड है, स्टील का टैंक है, ग्लास लाइन कोटेड है, और इसके अंदर मैग्नीशियम की एनोड रॉड भी लगाई गई है। तो यानी कि हर तरह का पानी आप इसमें गर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस टैंक में जो इंसुलेशन है वो 5 सेंटीमीटर की, यानी कि मोटी इंसुलेशन है, तो जो गर्म पानी हो रखा होगा वो जल्दी से ठंडा नहीं होने वाला है, काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहेगा। और दोस्तों, इस वाटर सिस्टम की जो खासियत ये है 150 लीटर वाले, 200 या 300 लीटर वाले की, कि प्रति घंटा आप इसमें से 70 लीटर पानी बाहर ले सकते हो, यानी कि 70 लीटर पानी ये हर घंटा गर्म कर सकता है और आपको आउटपुट दे सकता है। तो ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ है, अगर आपको रनिंग में पानी चाहिए तो वो गर्म मिलता रहेगा, क्योंकि टैंक बहुत बड़ा है। इसका जो आउटडोर है वो हूबहू एसी के आउटडोर की तरह ही लगता है, और वो काम भी उसी तरह से करता है। जी हाँ, जैसे हमारे एसी का आउटडोर होता है वो कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, और आउटडोर में जो जाली होती है, कोयल होती है, उसमें गर्म गैस जाती है और फिर इंडोर में ठंडी जाती है, इस तरह से। लेकिन जो हीट पंप्स होते हैं उसके अंदर ये साइकिल उल्टी कर दी जाती है। जैसे कि हॉट एंड कोल्ड एसी होते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड एसी को जब आप हीट मोड पर चलाते हो तो क्या होता है कि जो कॉइल गर्म होने वाली होती है वो इंडोर की हो जाती है, ताकि आपको रूम के अंदर गर्म हवा मिले, और जो कंडेंसर कॉइल होती है आउटडोर में लगी हुई, वो कूलिंग कॉइल का काम करने लगती है, वेपोरेटर का काम करने लगती है, और यही काम हीट पंप में किया जाता है। तो हीट पंप का जो आउटडोर होता है उसकी कॉइल एज ए वेपोरेटर काम करती है, वो ठंडी चलती है, और जो टैंक के अंदर कॉइल होती है या पाइप होते हैं जिसके अंदर गर्म गैस जाती है, पानी को गर्म करने का काम करती है, वो एज ए कंडेंसर, मतलब उसको यूज़ किया जाता है, उस गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है। तो इस तरह से तो ये काम करता है। इसके बाद इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो एक रोटरी कंप्रेसर है, और सिर्फ 810 वाट का लोड लेता है। इसकी जो टनेज के अगर मैं हिसाब से बताऊँ तो ये 1 टन के बराबर काम करता है। जैसे कूलिंग कैपेसिटी होती है एसीज में, तो इसी तरह से जो हीट पंप्स होते हैं उसमें हीटिंग कैपेसिटी होती है, और हीटिंग कैपेसिटी इसकी 3500 वाट की है। तो आप ये मान सकते हैं कि 1 टन का जो कंप्रेसर होता है
वो इसमें लगाया गया है और वो 810 वॉट का लोड लेता है, तो काफी कम वॉटेज है। अगर एम्पेयर में बात करें तो 3.7 या 3.8 एम्पेयर के आसपास ये मशीन चलेगी। लेकिन इसमें एक और चीज लगाई गई है जो कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि कंप्रेसर से अगर आप पानी गर्म करेंगे तो वो मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, लेकिन आपको अगर और ज्यादा गर्म पानी करना है तो फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड भी लगाया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर भी लगाया गया है, तो उसको ऑन करके आप पानी को और ज्यादा गर्म कर सकते हो, या फिर कंप्रेसर के साथ उसको भी चलाकर पानी को जल्दी गर्म किया जा सकता है। लेकिन जो वो हीटर लगाया गया है उसकी वॉटेज है 1500 वॉट, तो अगर आप उसको भी चलाते हैं और हीटर को भी चलाते हैं और कंप्रेसर को भी चलाते हैं तो टोटल वॉटेज लगभग 2300-2400 वॉट के आसपास आ जाएगी। तो ये अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दोनों को इकट्ठा चलाते हैं, अलग अलग चलाते हैं। हालांकि सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि आप अकेला इलेक्ट्रिक हीटर भी चला सकते हैं, अकेला कंप्रेसर भी चला सकते हैं, दोनों चीज़ें भी चला सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। ऑपरेट करने के लिए या इसमें टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए आपको एक मीटर मिल जाता है, उसकी तार बहुत लंबी होती है। अगर आपने छत पे भी सिस्टम लगवाया तो वो नीचे फ्लोर तक भी आ जाती है, यानी कि आप मैनुअली वहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टेम्परेचर से पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वी गार्ड का जो ये सिस्टम है ये 5 ईयर की कंप्रेसर वारंटी के साथ आता है और टैंक की वारंटी भी इसमें आपको 5 साल की मिलती है, तो कोई टेंशन नहीं है, 5 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए इसके साथ आप। बाकी इसमें रेफ्रिजरेंट की अगर बात करें तो रेफ्रिजरेंट इसमें R410A गैस का यूज़ किया गया है, और R410A जो गैस है वो भी इको फ्रेंडली गैस है, ग्रीन गैस है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ऐसे में ये सारी बातें वी गार्ड के इस हीटर के बारे में मैंने आपको बताई। ये एक डोमेस्टिक टाइप सिस्टम है और ये सिंगल फेस इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है, जो कि हमारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, उससे ही ये चलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।